प्रीवियस वीडियो में हमने ये जाना कि हम YouTube अवार्ड्स को कैसे ले सकते हैं और उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है जिसको हमें फुलफिल करना होता है। इस वीडियो में गाइज हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग कैसे एक चैनल को स्टार्ट करते हैं और हमारा जो प्राइमरी मोटिव है इस चैनल को स्टार्ट करने का कि एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर हमारे पास होने चाहिए और हमारे पास एटलीस्ट 4000 वॉच आवर होने चाहिए इनिशियली। तो गाइज़ उसके लिए हम एक महीने का टारगेट रखते हैं और वो एक महीने में हम लोग क्या क्या करेंगे और कैसे कैसे हम लोग उन सारे चीज़ों को फुलफ़िल करेंगे और कैसे हम लोग मेहनत करेंगे कि हमारा चैनल जो है 1000 सब्सक्राइबर उसमें हो जाए। तो गाइज़ उसके लिए कुछ टॉपिक्स मैंने तैयार किया है, उस टॉपिक्स को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करिएगा। तो गाइज़ ये गोल्डन रूल्स कुछ बनाया है मैंने अपने चैनल के लिए भी और आपके चैनल के लिए भी और गाइज़ हम लोग मिलकर इस चैनल को ग्रो करेंगे। तो गाइज़ ये गोल्डन रूल्स क्या है आपके चैनल को ग्रो करने के लिए, तो गाइज़ हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में 1 मंथ में हमें 2 वीडियोस अपलोड करने हैं, 2 वीडियोस हमारे टॉपिक्स पे अपलोड करने हैं। ये हमें आदत बनाना पड़ेगा, जो डिसिप्लिन कह लीजिए आप या कंसिस्टेंसी कह लीजिए, ये आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो गाइज सबसे पहला वीडियो जो है वो हम मॉर्निंग 9 AM को अपलोड करेंगे और जो सेकेंड वीडियो होगा गाइज उसको हम इवनिंग 4 PM में अपलोड करेंगे। गाइज ये बेस्ट टाइम है किसी भी वीडियो को अपलोड करने के लिए, मॉर्निंग 9 AM और इवनिंग में 4 PM। उसके बाद गाइस हमारा जो सेकंड रूल होगा वो है ट्रेंडिंग टॉपिक या वायरल टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना है। जैसे गाइस अभी आप देखेंगे तो अभी सबसे ज़्यादा जो टॉपिक है वो कोरोना वायरस चल रहा है गाइस, तो हम कोशिश करेंगे कि अपने वीडियो को हम कोरोना वायरस से कुछ ना कुछ रिलेट कर सकें या मैनिपुलेट कर सकें। अब गाइज ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आपका टॉपिक कुछ और है और आप कोरोना वायरस पे बता रहे हैं तो गाइज आपको थोड़ा सा उसमें अपने माइंड को रिफाइन करना पड़ेगा और आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप कैसे अपने टॉपिक को कोरोना वायरस से रिलेट कर सकते हैं या फिर किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे गाइज वायरल वीडियोज़ होते हैं तो वायरल वीडियोस कौन कौन से चल रहे हैं, किस टॉपिक पे वायरल वीडियोस चल रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले गाइस एक आपने आप भी सुने होंगे कि एक विनोद BINOD वो सभी के यूट्यूब पे जाकर वो बंदा विनोद लिखता था तो वो एक ट्रेंडिंग टॉपिक आ गया, वो ट्विटर पे भी ट्रेंड करने लगा, यूट्यूब पे भी ट्रेंड करने लगा। तो गाइस हमें उस तरह के टॉपिक पे वीडियो को रिलेट करना होगा और अपने टॉपिक में हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ चर्चा करना होगा और हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे ताकि हमारा वीडियो भी वायरल हो सके और या फिर हमारा व्यूज़ या सब्सक्राइबर बढ़ सके। तो गाइस ये सेकेंड पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट है हमारा कि हमें बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाने हैं, जैसे वीडियोस वन साइडेड नहीं होने चाहिए गाइस। जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं तो हमारा वन साइडेड वीडियो रहता है लेकिन वो इंटरेक्शन भी रहता है ऑडियंस के साथ। जैसे आप वीडियो बना रहे हैं तो आप बीच में ऑडियंस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको अभी तक का वीडियो कैसा लगा या फिर कुछ सजेशंस है आपके पास तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर आप कोई क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं वीडियो में पिछले वीडियो से रिलेटेड, तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप अपने ऑडियंस को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि गाइस आप इसके बारे में कमेंट्स में लिखिए। तो गाइस इससे क्या होगा कि आप इंटरेक्ट कर पाएंगे अपने ऑडियंस के साथ और ये ऑडियंस जो होंगे वो आपके लॉयल ऑडियंस होंगे, ये ऑडियंस और कहीं भी नहीं जाएंगे। तो गाइस जब तक आपका एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे या फिर इंटरेस्टिंग वीडियोस आप जब तक नहीं बनाएंगे गाइस आपको वॉच आवर नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएं लेकिन सब्सक्राइबर सिर्फ बढ़ाना हमारा मोटिव नहीं होगा, हमारा मोटिव ये भी होगा कि हम कैसे अपने वॉच टाइम को बढ़ाएं, क्योंकि गाइस उसी के वजह से हमें मोनेटाइजेशन मिलेगा और फिर हम उससे यूट्यूब से पैसे अर्न कर सकते हैं।
तो गाइस अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। उसके बाद गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थंबनेल बनाना आ गया होगा, और गाइस अभी तक के वीडियो अगर आपने देख लिया है तो आपको बहुत सारा यूट्यूब का सेटिंग्स नॉलेज आपको हो गया होगा कि कैसे आप अपने चैनल को ग्रो करते हैं, कैसे आप थंबनेल लिखते हैं, कैसे आप एक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, कैसे आप टॉपिक्स लिखते हैं और टॉपिक्स को आप कैसे एक कीवर्ड बना सकते हैं, कीवर्ड क्या होते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको पहले से भी हो चुकी होगी। तो गाइस हमें थंबनेल बनाने आता है और हम थंबनेल अब क्या होगा कि वो कैची थंबनेल हम लोग बनाएंगे। कैची थंबनेल का मतलब होता है कि वो अट्रैक्टिव थंबनेल हो। जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल भी आपको दिखाया था कि थंबनेल का, कि कैसे आप एक कैची थंबनेल बना सकते हैं और उस थंबनेल को आप देख सकते हैं। अगर वो इंटरेस्टिंग और वो कैची थंबनेल हुआ, वो दिखने में भी बहुत अच्छा लगा, या फिर जो टॉपिक आपने उस पर लिखा है थंबनेल पे वो काफ़ी ट्रेंडिंग लगा आपको, तो किसी को अगर वो वीडियो, आपके वीडियो में इंटरेस्ट भी नहीं होगा फिर भी वो वीडियो ज़रूर खोल कर एक बार देखेगा कि उसमें क्या कंटेंट आपने बोला है। तो गाइस वो हमारा फेस होगा, जो वीडियो है उसका फेस होगा, क्योंकि आप टॉपिक्स पे आप लिख सकते हैं लेकिन टॉपिक लोग नहीं देखते हैं, टॉपिक सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स को यूज़ करने के लिए होता है। तो आप थंबनेल लोग देखते हैं, थंबनेल को हम लोग को बहुत अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग को अच्छे व्यूज़ मिल सकते हैं। अब गाइस ये आ गया कि हमारा, बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर अगर वीडियो का लेंथ है वो लेंथ कितना होगा, कैसे उसको हम लोग मैनेज करेंगे। तो वो गाइस इसके लिए हमने ये देखा है कि जो 4 मिनट से लेके 10 मिनट्स के बीच में जो वीडियोस बनते हैं उनमें ज़्यादातर वॉच आवर आपको मिल जाते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट वीडियोज़ होते हैं और वो शॉर्ट वीडियोज़ के कारण लोग उस पूरे वीडियो को देखना पसंद करते हैं। उसके बाद गाइस हमारा आ गया गोल्डन रूल है, प्रमोट योर वीडियोस। अब गाइस मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं आज भी आपको फिर से रिपीट करता हूँ कि आप कैसे अपने व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टम्बलर, हेलो, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे आपको अपने लिंक्स को शेयर करने हैं। अगर वो लिंक आपने शेयर करेंगे तो लोग आपके चैनल को देखेंगे, अगर उनको आपका कंटेंट अच्छा लगेगा तो वो आपको सब्सक्राइब भी करेंगे और आपके वीडियो को वो रेगुलरली देखेंगे भी। उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या है गाइस हमारे पास, हमारे व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, कि हम अपने ऑडियंस को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। गाइस जब हम वीडियो स्टार्ट में बनाते हैं उस समय भी हम लोग उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और अगर आप इस तरह के वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ये सारी चीज़ें हम एक बार उनको रिक्वेस्ट करेंगे इनिशियली, और फिर लास्ट में एंड ऑफ द वीडियो में हम फिर एक बार रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हेल्प करिए कि ये चैनल ग्रो हो। अगर ग्रो होगा तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेकर आएंगे और आपको अच्छा लगेगा वीडियो देखने में। तो गाइस आप अपने ऑडियंस को हमेशा अपने वीडियो में, हमेशा अपने ऑडियंस को प्रायोरिटी रखेंगे, आप उनको बोलेंगे कि प्लीज़ लाइक माय चैनल, इफ़ यू लाइक दिस चैनल, इफ़ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो ये उनसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं गाइस, और 1 महीने के अंदर में अगर ये सारे गोल्डन रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे तो 1 महीने के अंदर में गाइस यू विल सी द ड्रास्टिक चेंज इन योर वीडियो प्रोफाइल, आप अपने चैनल में भी बहुत ड्रास्टिक चेंज देख सकते हैं। तो गाइज आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और आपके लिए एक मोटिवेशनल चीज़ लेकर आऊँगा जिससे आप मोटिवेट होंगे कि आप वीडियोस को बनाएं और अच्छे वीडियोस, अच्छे कंटेंट्स और अच्छे चीज़ों को प्रमोट करें। गाइज हमारा मकसद ये है कि हम एक चैनल को ग्रो कर रहे हैं,
तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम उस चैनल को अच्छे से ग्रो करें, क्योंकि आपका मेहनत लग रहा है तो आप उससे अर्निंग भी कर सकें। तो गाइज, हमें हमेशा मोटिवेटेड रहना है और हमेशा ये रूल्स को फॉलो करना है। तो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।